हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज है 16 दिसंबर है ना, और हम आए हैं कॉफ़ी हाउस सीपी में, कॉफ़ी हाउस जहाँ पे मेरी भाभी के मासा जी काम भी करते हैं, मतलब वर्किंग है। तो आज हम यहाँ फ्री का सौदे के लिए यार मैं गई जाकर पहली बार फ्री में कुछ खाऊंगी, जो ये भाभी जी के रिश्तेदार हमें तो फ्री में खिलाना चाहते हैं, तो इसलिए हम बढ़िया सी कॉफ़ी वॉफी ऑर्डर करेंगे, डोसा चाउमीन जो खाना खाओ ना। तो इसलिए आज मैं फ्री की पार्टी लेके जाऊंगी, फ्री की पार्टी छोड़ दूंगी। तो आज मैं पहली बार फ्री का कुछ खाने वाली हूँ, रिलेटिव में तो कुछ तो फ़ायदा उठाना चाहिए ना। तो इसलिए हमारे भाभी जी के मौसा जी हैं, ये लोग आते रहते, ये तो खाते रहते, तो इनके चाचा ससुर हैं। हाँ, तो इसलिए बोला चलो भाई तुम भी चलो भाई, ठीक है यार खा लेते हैं। तो फिल्टर कॉफ़ी, डोसा चाउमीन, आज हम ये सब पार्टी उठाएंगे। पहली बार आया और जो हनुमान मंदिर के लेफ्ट में कॉफी हाउस, वहाँ एक दो बार गया हूँ मैं, यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ। हाँ। लेकिन यहाँ एक्सपीरियंस बताऊँगा कैसा है कैसा नहीं, वहाँ का टेस्ट मुझे इतना बहुत लगा, सिर्फ कॉफी ठीक है वहाँ। हाँ, तो अभी हम दूसरे कॉफी हाउस डोसा को बताना मांगा तो बिल्कुल कॉफ़ी की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझसे तो रुका नहीं जा रहा कॉफ़ी का, है ना, क्योंकि कॉफ़ी हाउस तो यानी कॉफ़ी तो पॉपुलर होगी और फिल्टर कॉफ़ी ये सब है। और ये देखिए मेरी नेल आर्ट जो मैंने डुगू के बर्थडे के लिए कराई थी, और डुगू का अच्छा बर्थडे हो गया, खूब अच्छे से सेलिब्रेट हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट मंथ मेरे ऑफिस ज्वाइन करने यार बहुत बर्बादी हो रही है, बिजनेस नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे यार, कब तक खा लेंगे बैठे बैठे। तो इसलिए आप देखते हैं, हम ऑर्डर करते हैं, मंगाते हैं, फिर आपको मैं दिखाऊँगी। गाइस देखिए फुल पार्टी फुल खान पीन हो गया है ना, हमने सांभर वड़ा और नूडल्स, चीकू की तो अभी देखो पूरी पड़ी है, चीकू की तो पूरी पूरी पड़ी है। चीकू कैसी लगी आपको? अच्छी अच्छी तो खातेदारी हो रही है, मौसा जी हमारे अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, मेरे भाई बहन थोड़ा परेशान कर रहा है, बच्चा संभालते। अब अमित जी की बारी है, अमित जी पूरा खा चुके, उन्होंने प्लेटें खाली कर दी हैं, अब वो चले गए बाहर, वो डुब्बू को संभालेंगे और फिर भाई साहब कुछ खाएंगे। भाभी का भी ऑलमोस्ट हो गया, मेरी थोड़ी सी दूरी बची है, मैं खाऊंगी भाई का मज़ा। और यहाँ ये कॉफ़ी हाउस नहीं है, ये कॉफ़ी होम है, कॉफ़ी होम वो है मेरी भाभी के मौसा जी हैं, और दिखाऊंगी मैं आपको। हम उन्हें प्रसाद भी देने आए थे, हम प्रसाद भी दे देंगे उन्हें, है ना, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे, बस फ्री का खाते खाते हम दफा हो जाएंगे, हम उन्हें प्रसाद भी देंगे, ठीक है। तो मैं खा लेती हूँ गाइस थोड़ी सी नूडल, और गाइस देखो डुगू भी खा रहा चाहूँ, ये देखो ऐसे तोड़ तोड़ के, ये देखिए शौक देख लो इसकी अभी से, ये देखो, और अगर नहीं खिलाएंगे ना ये रन मचा देगा लड़का, गेम में देखी रन मचा देगा ये लड़का। और ये देखिए, ये देखिए चिको ढंग से खा के दिखा, ये देखो अभी देखो, और नीचे मत गिराओ, गंदी मत करो, और ये देखिए, ये देखो शौकिया बच्चा, आज के ज़माने का बच्चा, आज के ज़माने का बच्चा, आज के ज़माने का बच्चा, ये देखो ये आज के ज़माने का बच्चा है, हमारे भाई साहब अब खा रहे हैं, ठंडा हो गया बेचारा, ये खा चुकी हैं, ये खा चुकी हैं, और ये गाइस मैंने नहीं खाया, ओ गाइस इनका प्रूफ नहीं है बट ये ऑलरेडी अपना पेट फुल कर चुके हैं, और इन्होंने अपनी प्लेट का मेरे में बड़ा बड़ा डाल दिया, मेरे को बेवकूफ़ बना के, और मैं सोच रही हूँ यार अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, गाइस देखो अच्छे लग रहे हैं, और मैंने देखो कितने टाइम बाद रिंग्स पहन गया, बात तो और अभी हम फिर जाएंगे, अब हम जाएंगे भाभी के घर पे, और भाभी के घर पे भी हमें प्रसाद देना है, फिर दिखाना। और गाइस अमित जी क्या कह रहे हैं कि बड़े सम्मान करो, अभी मैं लूँगी आपको कि अंकल जहाँ मतलब मौसा जी
भाभी के कि अंकल को बोलना कि कभी जिंदगी भर नौकरी ना छोड़े, बची है जितनी लाइफ बची है। मैं बताता हूँ, हाँ रुको रुको, मैं अमित जी की जुबानी बोल, हाँ बोलिए। नमस्कार, कैसे हैं? जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, राधे राधे। जागरण नहीं करना यहाँ पे गाइस। मेरा कहना ये है, इनके जो मौसा जी हैं जिन्होंने हमें ट्रीट दिए, ट्रीट दिए, वो रिटायर हो चुके हैं ऑलरेडी, और रिटायर होने के बाद ही वो इतने मेहनती हैं कि बस देखो घर सबको चलता है, लेकिन वो शरीर अब चलता रहे से काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ जब तक जीवन है उनका तब तक वो काम करते रहे, करते रहे, करते रहे, और हम यहाँ आते रहे, आते रहे, आते रहे, महीने में, साल में। और गाइस, क्योंकि ये प्रीका खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे। गाइस मैं तो अभी पे कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम पे कर देंगे। नहीं गाइस, मतलब क्या, रिटायरमेंट के बाद उन्हें स्पेशली बुलाया गया है क्योंकि वो बहुत अच्छे एम्प्लॉय भी रहे और उनके हाथ में शेफ यार, वो बहुत ही शेफ है, तो इसीलिए उन्हें स्पेशली बुलाया। और ये देख रहे हो मेरा झाड़, ये अभी तक मैंने बाल वॉश नहीं किए, ये सलून से जो मैंने कर्ल्स कराई थी ना, वॉश ही नहीं किया मैंने। हाँ हाँ, मैं नहाई नहीं हूँ, गंदे। हाँ तो फिर हमारा खाना पीना हो चुका है, तो अब हम यहाँ से निकलते हैं, भाभी के घर जाएंगे, वहाँ पर पहुँचा देंगे। ठीक है गाइस।